पुराना मोबाइल लाएं, नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ है। गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 बटी सागर। 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार में आग लगा दी, जिसे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर उनको तितर बितर किया गया। मामला बैतूल जिले से सामने आया है, देखिए पूरी खबर। एमपी के बैतूल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र में इतना तनाव पैदा हो गया कि आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उपद्रवियों ने उसकी कार में आग लगा दी, जिसे नियंत्रण करने पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम कुछ लोग एक 11 साल की लड़की को कोतवाली थाना क्षेत्र लेकर पहुंचे। उनकी शिकायत थी कि उसके साथ आटा चक्की चलाने वाले रमेश गुल्हाने ने दुराचार किया है। इस मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई, लेकिन पुलिस कुछ कर पाती उसके पहले ही गुस्साए लोगों ने उसी रात आरोपी रमेश के घर के सामने खड़ी उसकी कार को आग के हवाले कर दिया, जिसे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल बुझा दिया गया और आक्रोश बढ़ने पर हल्का बल प्रयोग कर उनको तितर बितर किया गया। कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। देर रात तक पुलिस बल घटना स्थल पर मौजूद था। घटना को लेकर बैतूल एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज शाम को 7 बजे रिपोर्ट आई थी कि एक अधेड़ व्यक्ति ने एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना की है। और सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने जो है उसको FIR करी है और आरोपी तलाश में पार्टी भी रवाना हो गई है। और इस बात को लेकर यहाँ कुछ आक्रोश था युवकों में और उसको समझाइश दी गई, परंतु उनके द्वारा अत्यधिक आक्रोशित करने पर हल्का उनको समझाई देकर तितर बितर किया गया और अभी स्थिति कंट्रोल में है और पर्याप्त बल लगाया गया। जिले का पूरा बहुपुर से इकट्ठा कर लिया गया है और आरोपी तलाश में पार्टी भी रवाना हो गई है। अभी स्थिति सामान्य है। कोई कार भी जलाई? ऐसा प्रयास किया गया था, परंतु उसको तत्काल बुझाया गया। उसके बाद भीड़ को हल्का बल प्रयोग करके तितर बितर किया गया और उसमें जो उपद्रवी तत्व है उनकी भी अरेस्टिंग की जा रही है। 144 धारा भी लगाई? अभी 144 तो नहीं लगाई, जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी स्थिति कंट्रोल में है और जो उपद्रवी हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, तो उनमें से राउंड अप किया जा रहा है। कुछ किए गए हैं सर? हाँ, किए कार्रवाई जा रही है हमारी। सर, बालिका के साथ क्या दुराचार की घटना घटित हुई है? हाँ, ये सर FIR अभी यही हुई है, आगे भी विचार होगा। 376 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। सर, आरोपी का कुछ पता चला? अभी पार्टी रवाना है और शीघ्र इसको अपन अरेस्ट कर लेंगे। बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। पुराना मोबाइल लाएं, नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग। हमारा पता है गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 बत्ती सागर। हमारा नंबर है 9993723214।